नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड पार्ट। पार्ट सेकंड में अपन तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो सीधे सीधे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस एक्स जो है वो मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, कॉस एक्स इक्वल्स टू वन ओवर थ्री। प्रूफ वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट ये जो दे रखे हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, ये एक तरह से आपकी हेल्प करने के लिए आंसर है। मतलब एक पॉइंट आपको दे दिया और साथ में आपको क्या हिंट दे दी कि इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले तो फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दो चीज़ें बता रहा है ये आपसे, दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो ये कह रहा है कि भैया इस पॉइंट पे, तो पॉइंट मतलब समझ गए ना, स्टेशनरी पॉइंट, स्तब्ध बिंदु, तो ये पॉइंट आपको लेके आना है एक तो। दूसरा फिर इस पॉइंट के अंदर ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम का नाम सुनते बच्चे के दिमाग में बजाना चाहिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन होगी। तो ये आपके प्रूफ के पार्ट है और ये आपके हिंट भी है। तो फाइनली अपन क्या करते हैं, मेथड उम्मीद है आपको याद होगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, स्टेप फर्स्ट क्या थी अपनी, डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट। तो इसका अवकलन करेंगे अपन एक्स के सापेक्ष, तो एफ डैश एक्स हो गया स्टूडेंट। इधर अपन यूज करें यू वी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही, वन का जीरो हो गया और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। प्लस वन प्लस कॉस एक्स वैसे ही और साइन स्क्वायर एक्स का हो गया टू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया स्टूडेंट, कॉस एक्स, याद है ना, चुन चुन के करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स में पहले साइन स्क्वायर एक्स का किया टू साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको चाहिए पॉइंट, और पॉइंट आपको तभी मिलेंगे जब आप उसके क्या करते हो स्टूडेंट, फैक्टर करते हो। ध्यान रखिएगा ये हिंट है, पॉइंट जब भी ही मिलेंगे जब आपका जो भी डेरिवेटिव आया उसके आप क्या करोगे, फैक्टर, मतलब उसको सॉल्व करोगे, मॉडिफाई करोगे, तभी आपको क्या मिलने वाले हैं, पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना रहे हैं फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो ये हो गया माइनस के साइन क्यूब एक्स प्लस ये वाली पार्टी इससे मल्टीपल हुई तो टू साइन एक्स कॉस एक्स, और ये दोनों आपस में मल्टीपल हुए तो टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब फैक्टर के लिए देखे स्टूडेंट सबके अंदर, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, साइन एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ गया आपके पास टू कॉस एक्स और आगे आ गया अपने पास टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक फैक्टर आपने निकाल लिया, ठीक है साहब। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में। तो इसकी जो कॉस फॉर्म होगी वो क्या होगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी के वैसे रहेंगे टू कॉस एक्स और टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स और टू कॉस स्क्वायर एक्स कितने हो गए सर, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस के टू कॉस एक्स वैसे ही, और यहाँ पे माइनस का वन, और साथ में क्या चल रहा है साइन एक्स, और इक्वल टू क्या चल रहा है एफ डैश एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट काम, मतलब आपका डेरिवेटिव करने के बाद में ऐसा नहीं कि वहीं से एंजॉय लेने लगता हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फैक्टर तक पहुंचेंगे। अब अपन इसको फैक्टर करने के लिए, अब देखो आप आसानी से देखो इसको, ढंग से देखो मन की आंखों से, अगर मन की आंखों से देखोगे तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। थोड़ी देर के लिए अपन ने कॉस एक्स को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो थ्री एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन, अगेन एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस वन। और फाइनली अब अपने स्टेप सेकंड क्या कहती है स्टूडेंट, स्टेप सेकंड कहती है कि भैया जो भी आपने एफ डैश एक्स किया उसको किसके इक्वल पुट करो, जीरो के। तो आपके पास में एक तो कौन है, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, पूरी कहानी में एक्स कौन है मन की आंखों में, क्योंकि एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और एक हो गया थ्री
कॉस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो वैसे देख लो आप पावर थ्री है तो तीन रिजल्ट निकल के आएंगे, लेकिन आपको ओनली एक पॉइंट चाहिए जो क्वेश्चन की डिमांड है, कॉस एक्स इक्वल्स टू वन ओवर थ्री। तो इधर से तो मिलने वाला नहीं है, इधर से भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ से देख लो आपको कॉस एक्स इक्वल्स टू वन ओवर थ्री मिल गया, ये आपकी काम की चीज़ होगी। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये आपका पॉइंट आ गया, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपको इससे मतलब है और पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है, खुद जो बोल रहा है वही आपको काम करना है। तो फाइनली अपन पॉइंट लेके आ गए कॉस एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री। अब अपन को क्या करना है, मैक्सिमम मतलब आपको बताना है उच्चिष्ट, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए क्या कहानी है, मैक्सिमम के लिए क्या स्टोरी है स्टूडेंट, कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो से कैसी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो आपको एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन शो करनी है, तो ये इधर ही कर देते हैं। तो ये हो गया आपके स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपका आंसर आ जाता है। अब आपकी कहानी है एफ डबल डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स आपने निकाल रखा है, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, जैसे ये रहा आपका एफ डैश एक्स, यहाँ से यूज कर सकते हो। तो एफ डबल डैश एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, वही यू डॉट वी आप यूज करोगे, तो साइन एक्स तो वैसे ही थ्री कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स, फिर हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स, और माइनस वन का जीरो हो जाएगा। फिर ये वाली पार्टी वैसे रहेगी, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस एक्स माइनस वन, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब आपके पास में पॉइंट क्या है स्टूडेंट, पॉइंट है अपने पास में कॉस एक्स इक्वल्स टू वन ओवर थ्री, इस पॉइंट को यहाँ पुट करना है। तो इसमें कॉस एक्स है लेकिन साथ में इसमें साइन एक्स भी है, अगर आपके पास में कॉस एक्स है तो साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या बिल्कुल निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो यह जाएगा आपके पास वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू वन ओवर थ्री है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन नाइन, नाइन माइनस वन मतलब रूट एट अपॉन थ्री, ये आपकी साइन एक्स की वैल्यू आ गई। तो एफ डबल डैश एक्स के अंदर ये वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, रख देंगे सब। तो जब रखोगे तो आप देखो यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, और फाइनली ये वैल्यू भी नेगेटिव। तो कुल मिला के ये है कि जब आप रख के देखोगे तो फाइनली वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, नेगेटिव। तो अपन कहेंगे कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन आ गई, किस पॉइंट पे आ गई, कॉस एक्स इक्वल्स टू वन ओवर थ्री पे आ गई। इसका मतलब फंक्शन कैसा आया साहब, मैक्सिमम है, उच्चतम है, राइट है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है। तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन देखते हैं, समझ लो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें से। आप देखो कि मुझे पॉइंट दे रखा है, ये मेरा पॉइंट लेके आना है, वैसे तीन पॉइंट थे लेकिन आपको इसकी रिक्वायरमेंट थी। दूसरा मैक्सिमम का मतलब है एफ डबल डैश एक्स के अंदर इस पॉइंट को पुट करना है, वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमम है, नेगेटिव आनी है, वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में दो तीन बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब सेकेंड स्टूडेंट है, वही प्रूफ करना है स्टूडेंट आपको, वाई कॉस टू दे रखा है, साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा, और ये जो पार्टी है इसका पॉइंट है टेन थीटा इक्वल्स टू रूट पी क्यू, और ये भी इस वाले पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम। तो आपके उम्मीद है मेथड दिमाग में हो गया है कि कुछ नहीं करना, एक बार इसका क्या करना है, अवकलन करना है, उसको जीरो की इक्वल पुट करना है, उसे ये पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को दो बार वाले अवकलन के अंदर रखना है, रखने के बाद में अगर मैक्सिमम आ जाता है तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो से लेस देन आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट अपन। तो वाई इक्वल्स टू है आपके पास साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा, सबसे पहला काम डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं साहब, इसका हो गया डी वाई डी थीटा। अच्छा और इजी बनाना चाहो आप तो देखो, पावर की फॉर्म में तो अपन क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, फिर डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं दोनों साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, तो ये ऐसा दिख गया भाई साहब। और लॉग के अंदर मल्टीपल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो मल्टीपल हो जाता है प्लस, लॉग जब भी लोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, और डिग्री भी आगे आ जाती है। तो पहले तो मैं प्लस लिख देता हूँ, ये प्लस में हो गया ऐसे, तो लॉग ये कॉस क्यू थीटा,
अब इसकी जो पावर है वो भी आगे आ गई, तो पी लॉग साइन थीटा और क्यू लॉग कॉस थीटा, और इधर क्या चल रहा है लॉग वाई। अपन अब क्या कर सकते हैं इसका, इजी में डेरिवेटिव कर सकते हैं, लॉग वाई का हो गया 1/y डी वाई डी थीटा, इधर पी वैसे ही, लॉग साइन थीटा का क्या हो गया लॉग एक्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट 1/x, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/ साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट थीटा, यहाँ आ गया कॉट थीटा, इधर हो जाएगा 1/ कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा मतलब टेन थीटा, तो माइनस की क्यू टेन थीटा, ठीक है। फाइनली डी वाई डी थीटा इक्वल्स टू हो गया वाई उस साइड लेके चले गए और पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा, और वाई कौन है स्टूडेंट, वाई तो क्वेश्चन है आपका, तो वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा और पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा। अब ये हो गया आपकी पहली स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, दूसरे स्टेप में जो भी आपने किया उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, तो ये डी वाई डी थीटा को आपने जीरो के इक्वल पुट किया। अब देखो फैक्टर पहले से हो रहे हैं, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत की, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, अगर क्वेश्चन ही जीरो के इक्वल होता तो पहले से पता चलता अपन को, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ कह सकते हैं वाई तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये वाली पार्टी को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट जीरो, ठीक है, तो ये आ गया पी कॉट थीटा इक्वल्स टू क्यू टेन थीटा, तो आपको पॉइंट क्या लाना है पी अपॉन क्यू, तो ये हो गया पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, और पी अपॉन क्यू दोनों को कैंसिल कर दो, 1/ टेन कॉट थीटा क्या होता है 1/ कॉट थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा और टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली अपने पास आ गया पी अपॉन क्यू टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया रूट पी क्यू, पॉइंट आ गया क्या, ये आपका पॉइंट आ गया, इसका मतलब सही जा रहे हो, ठीक है। और स्टेप थ्री के अंदर क्या करते हैं अपन, एक बार रोट करना है डे स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये तो पार्टिसिपेट लिया नहीं जीरो के अंदर, केवल इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो पी तो वैसे ही कोट थीटा का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्यू वैसे टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साहब, इसके अंदर क्या पुट करना है पॉइंट पुट करना है, देखो स्टूडेंट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू था पी अपॉन क्यू, अब एक तो आपको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए और एक कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो जब भी ऐसी चीज़ें अगर आपको चाहिए कि मुझे टेन को इसमें कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, बचपन वाला टेंथ क्लास वाला रेशो वाला भी यूज कर सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपको सेक की वैल्यू चाहिए तो सीधी सीधी आ रही है आपके पास, टेन को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, कोसेक में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप टेंथ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है रूट पी अपॉन क्यू, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये हो गया आपके पास लंब बटे आधार, राइट है, तो परपेंडिकुलर और आधार मतलब ये पी अपॉन बी हो गया। अब आप सेक चाहिए तो सेक थीटा का रेशो याद है ना, यहां से तो सेक साइन कॉस ये के अपॉन ए हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट के अपॉन ए, और के मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा कुल मिला के, सिंपल सी कहानी है, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, और ए तो आपके पास में रूट क्यू ऐसे, तो ये सेक थीटा आ गया आपके पास, आपको कोसेक थीटा चाहिए कोसेक थीटा भी निकाल सकते हो, कोसेक थीटा का रेशियो क्या है साहब वही के अपॉन एल, के की वैल्यू वही आ गई पी क्यू और एल क्या है आपके पास रूट भी, तो स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू आपके पास में आ गई, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो फाइनली सेकेंड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो कैसी आने वाली है नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया मैक्सिमम, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन की वैल्यू आ रही हो और आपको इधर कोई सेक कोसेक या टेन कोट कुछ भी हो तो आप बेसिक टेंथ का कॉन्सेप्ट रेशो का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम वाली, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन, अब तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन वन
प्लस एक्स टेन एक्स, और एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स पे ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। तो तीनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर देना, आराम से प्रैक्टिस कर लेना। नहीं नहीं मेथड दिमाग में हो गया होगा अब तो, क्या करना होता है कुछ नहीं, बस सिंपल सी है। इसका मुझे एक बार क्या करना है, एक बार इसका इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, उसके बाद मुझे उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट को दो बार वाली पार्टी के अवकलन में पुट करना है और मैक्सिमम लाना है। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स, इसका कैसे होगा u अपॉन v से, याद है फॉर्मूला वो सारे बच्चों को, तो इसका स्क्वायर ये वैसे ही, इसका डेरिवेटिव माइनस ये वैसे ही नीचे वाली पार्टी का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया f डैश x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस x टेन x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर b मतलब ये वाली पार्टी वैसे ही 1 प्लस x टेन x वैसे ही, इसका 1 हो गया माइनस का साइन, फिर x वैसे ही 1 का 0, और इधर ध्यान रखिएगा किससे होगा u डॉट v, क्लिक करना चाहिए आपका। तो x वैसे ही टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स वैसे ही और एक्स का वन, तो फाइनली आ गया साहब आपके पास, इसको खूबसूरत बना लो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स टेन एक्स, डिवाइड में जो चल रहा है वो चल ही रहा है, वन प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स आपके पास में है, ऊपर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और वन प्लस एक्स टेन एक्स, ये आपके पास स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, जो भी डेरिवेटिव आता है उसको किसके इक्वल पुट करते हो, जीरो के, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और वन प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये तो उधर जाते जीरो हो गया, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ गया वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, तो ये पॉइंट लेके आना है, तो वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और सेक क्या होता है कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, सेक कर लो, पॉइंट यही है क्या, बिल्कुल यही है, तो पॉइंट हो गया। और थर्ड स्टेप आप समझ ही गए होंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, इस पॉइंट को पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव, तो अपन बोल देंगे क्या है मैक्सिमम। ये सिंपल सा प्रोसेसिंग है, तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के आप ध्यान रखें, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, अब लेके आएंगे अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, दिखा देता हूं मैं आपको log x upon x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में एक दो बार पूछा हुआ है। log x upon x का क्या करना है अपन को, अब इसमें गिवन नहीं है, इसमें आपको बताना है कि भैया इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, सब क्या बताना है आपको, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन अगर सपोज बिना पढ़ा हुआ भी है और आपके दिमाग में मेथड है तो आप इजी सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे पहला काम, जो भी फंक्शन हो तो उसको एफ एक्स या वाई जो भी लेट करना चाहो आप लेट कर सकते हो, क्योंकि एफ एक्स भी वाई की इक्वल ही होता है, तो वाई इक्वल्स टू हो गया सब लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका एक क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये हो गया डी वाई डी एक्स, और अभी मैंने बताया था वही यू अपॉन वी यूज होने वाला है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, फिर ये वाली पार्टी वैसे ही लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया, और अब की बार एक्स वैसे ही, ठीक है, लॉग एक्स वैसे ही और एक्स का वन हो गया, तो फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाती है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, डी वाई डी एक्स को इक्वल्स टू जीरो पुट करते हो, दुनिया वाले इसी को बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, और जीरो जब आप इसको पुट करोगे तो वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो,
तो ये जीरो हो गया, वन माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो वन इक्वल्स टू लॉग एक्स। बहुत सारे बच्चों से यहाँ पॉइंट से नहीं निकलता है, तो बहुत सिंपल है, लॉग जब इधर ट्रांसफर होता है तो ई में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, तो ई की पावर वन इक्वल्स टू एक्स, तो फाइनली एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ई। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ई, तो पॉइंट ई आ गया अपने पास। तीसरे स्टेप में अपन क्या चेक करते हैं स्टूडेंट, सफिशियंट कंडीशन। सफिशियंट कंडीशन का मतलब है कि भैया एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप वन माइनस लॉग एक्स का भी कर सकते हो या इसका अगेन भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो उधर जाते जीरो हो गया, तो माइनस लॉग एक्स का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स, वन का जीरो हो गया, और इसके अंदर पॉइंट पुट करना होता तो एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, ई, तो फाइनली क्या आ गया वन अपॉन ई, और वन अपॉन ई जो है वो कैसा है स्टूडेंट, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। अगर वो कल को आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके अंदर अगर आपसे उच्चिष्ट मान भी पूछ रहा हो तो वो कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन से, क्वेश्चन पे चले जाओ, क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन है लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो इसके अंदर पॉइंट पुट कर दो, तो ई पुट कर देते हैं, तो लॉग ई और यहाँ भी ई, जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसको पता है लॉग ई और ई क्या हो जाता है, वन, याद है क्योंकि लॉग का बेस अंडरस्टूड है वन होता है, तो फाइनली आंसर आ गया वन अपॉन ई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।